हमीरपुर शिमला राजमार्ग पर पिछले 10 दिनों से खुले में सीवरेज का गंदा पानी बह रहा है, लेकिन जिला प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। वहीं सड़क पर सीवरेज पाइप के इस लीकेज के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से सीवरेज लीकेज को जल्दी ठीक करवाने की मांग की है। वो क्षेत्र में से तो पानी ओवरफ्लो हो रहा है। विभाग भी गंदगी के साथ विभाग भी इसमें कार्य कर रहा है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। अभी फोन पर कभी लिख कर, लेकिन एक्शन कब होता है ये तो उन्हीं पर डिपेंड करता है। अब समस्या काफ़ी गंभीर हो गई है, सभी चीज़ें ओवरफ्लो हो रही हैं, तो इसलिए अब विभाग काफ़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। जिसका जा रहा है सीवरेज का, वो सड़कों पे बह रहा है और गड्ढे गड्ढे पड़ गए, और जो जो गंदा पानी आ रहा है वो भी दुकान के लिए छींटे पड़ रहे हैं और पूरा सब खराब हो रहा है।